अब खबर राजनीति की। रायसेन में भाजपा युवा मोर्चा ने युवा सम्मेलन के जरिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में माहौल बना दिया है। सम्मेलन में डॉक्टर चौधरी, भाजपा के युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान और अभिलाष पांडे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वही करती है, यही वजह है कि उसके साथ सबसे ज़्यादा युवा जुड़े हैं। इससे पहले बीजेपी के युवा नेताओं ने एक बड़ी रैली भी निकाली। रायसेन में भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा सम्मेलन को कई नेताओं ने संबोधित किया। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे और युवा बीजेपी नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस के 15 महीने के शासन और कांग्रेस की कथनी और करनी का पर्दाफाश अपने भाषणों से किया। युवा नेता कार्तिकेय सिंह के भाषण में उनके पिता शिवराज सा आकर्षण था। 22 मिनट के भाषण में कार्तिकेय ने प्रदेश से लेकर देश तक से जुड़े अहम मुद्दों पर बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी और बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया। सांची विधानसभा में युवा मोर्चा ने युवा हुंकार रैली के रूप में अपना उपचुनाव का प्रचार आरंभ किया है। मुझे पूरी उम्मीद है युवा मोर्चा के इस आह्वान पर क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन @27 जो 27 सीटों पर होने वाले जो चुनाव उस पर कमल सभी संकल्पित होकर खिलाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस सरकार को काला कौवा बताते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, जबकि कांग्रेस सरकार स्वयं ही अपने वचनों से मुकर गई। झूठ बोले कौवा काटे अभियान के नाम पर जिस तरह से 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर झूठ बोला और साथ ही मध्य प्रदेश के नौजवानों को गाय बैल चराने वाला, ढोर बकरी चराने वाला सपेरा बनाने का जो उनका लक्ष्य था उसको आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी और हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो विफल किया है, उस दृष्टि से झूठ बोले कौवा काटे अभियान के माध्यम से युवा मोर्चा निकला है। जहां भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जाएंगे उनको घेरने का काम मध्य प्रदेश का युवा मोर्चा करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने युवा सम्मेलन में कहा कि बीजेपी का दृष्टिकोण विकासात्मक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में पूरी बीजेपी एक है और हर कोई विकास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। हमारे रायसेन जिले के युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर साथी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अभिलाष जी पांडे और हमारे युवा नेता इस प्रदेश के श्री कार्तिकेय जी चौहान ने समय दिया है, जिससे आज इस विधानसभा क्षेत्र का एक एक युवा मोर्चे का कार्यकर्ता प्रफुल्लित है और भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए उत्साहित है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में अभिलाष जी जब गैरतगंज से चले हैं वहाँ से हजारों की तादाद में लोग मोटरसाइकिल से उनके साथ में चलकर और यहाँ रायसेन में भी नगर में जाते हुए 11 बजे से हजारों हजारों की तादाद में इस विधानसभा के युवाओं ने यहाँ पर शिरकत किया है और सभी ने ये संकल्प भी लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भारी मतों के साथ में फिर से इस प्रदेश का जो अभी जो बागडोर संभाल रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।